नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे बांग्लादेश ए वर्सेस अफगानिस्तान ए के बीच जो होगा एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप का आज का दिन का पहला मैच। 10 बजे मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होगा। दोस्तों, वीडियो अगर आप अच्छे से ध्यान से अंत तक देखते हो ना, तो एक बेटर टीम आप बहुत इजीली खुद आप अपने से क्रिएट कर पाओगे। बट स्टिल मैं क्या करूँगा, मैं इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ एंड नेक्स्ट मैचेस के कवरेज वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल। दोस्तों, आपको जुड़ना है टेलीग्राम प्लस, मैं ना इस वीडियो में आपको एक्सचेंज 22 में जो पिक्स आपको लेना पड़ेगा इस मैच के रिगार्डिंग वो भी बता दूंगा। अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था एक्सचेंज में ये मैच ऐड नहीं हुआ था, बट मैं जल्दी रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे ना पोर्टुगल T10 कवर करना है। ठीक है, पोर्टुगल T10 मैं कवर करूंगा, उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा, समझना पड़ेगा तो इसके लिए टाइम लगता है। तो मैंने सोचा नहीं, ये रिकॉर्ड मैं कर लेता हूं और एक्सचेंज में जो पिक्स आएंगे उनके रेट तो मुझे लगता है कि आसपास होगा जो मैं आपको बोलूंगा, और उसके अकॉर्डिंग ट्राई करना या फिर मैं आपको आफ्टर टॉस वगैरह जो भी है एक ऑडियो डाल दूंगा। ठीक है, इस मैच के रिगार्डिंग एक फाइनल ऑडियो डाल सकता हूं। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन वाला लिंक में प्रेस करो और रिडायरेक्ट हो जाओ टेलीग्राम चैनल। आते हैं एनालिसिस पॉइंट में, लाइक करके स्टार्ट करते हैं। ये मैच 10 बजे इंडियन टाइम स्टार्ट होगा, ये मॉर्निंग वाला मैच है। 200 रन, अब मैं 200 रन क्यों लिखा, अब ये मैं शायद थोड़ा गलत लिखा, ये 200 नहीं 220 से 40 के करीब रन बनेगा। और इवन अफगानिस्तान और बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 60-40 बांग्लादेश के फेवर में हो सकता है, बट ये वन साइडेड मत मानो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इमर्जिंग टीम है, ये इंटरनेशनल टीम नहीं है, बहुत अलग है। और इंडिया का जो इमर्जिंग टीम है ना, मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लगा उनका बैटिंग, तो मुझे स्ट्रांग ही नहीं लगा, बॉलिंग भी नहीं लगा, बैटिंग भी नहीं लगा खास। ठीक है, चलो छोड़ो उसमें, अभी इस मैच का एनालिसिस कर लेते हैं। पी सारा ओवल कोलंबो में होगा, सेम ग्राउंड पे होगा जहाँ पे ना यूएई और पाकिस्तान वाला मैच हुआ था। ठीक है, और यूएई वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में ना हमें देखे थे दोस्तों स्पिनर्स प्ले में आते हैं। पाकिस्तान के लिए भी दोस्तों स्पिनर्स ने ना ज़्यादा बेटर बॉलिंग किया, कसीम हुआ और मकमेन, क्या मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने दोस्तों अच्छा खेला था। ठीक है, चलो मैं एक बार देख ही लेता हूँ, मेरे सामने पीसीबी ओपन है। तो नाम था क्या, हाँ मुकिम, हाँ ऐसा कुछ था, मुकिम, सुफियान मुकिम, उन्होंने 3 निकाला, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थे। और एक उनका नाम क्या था, कासिम इकराम, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, दोनों स्पिनर ने अच्छा बॉलिंग किया। ठीक है, कौन सा यूनाइटेड पाकिस्तान के लिए, यूएई के लिए किसने, जे ज्ञानानी ने 4 विकेट निकाले थे, मोस्ट प्रॉबली मतीउल्ला ने 2 और नसीर अली अली नसीर ने दोस्तों 1 निकाले थे, बट वो डेथ में जाके मिला था अली नसीर एंड मतीउल्ला को 1। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, स्पीच में स्पिन हो रहा है शायद, इसीलिए इतना ज़्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो वन साइडेड नहीं बनाना है, बट स्पिनर्स थोड़े से रख के चलना है। ठीक है ना, टूर्नामेंट प्रीव्यू में 7 मैचेस डन, 4 बार बैट फर्स्ट, 3 बार बैट सेकेंड ने विन किया। बांग्लादेश ने 1 जीता 1 हारा, इनमें से नईम शेख ओपन कराएगा तंजीद हसान के साथ, वन डाउन जकीर हसान आएंगे, जकीर विकी प्लस बैटिंग से पॉइंट्स देंगे प्लस वन डाउन खेलेंगे। और नहीं, ये लेफ्ट हैंडेड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ये थोड़ा सा बेटर खेलेगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, बाद में आता हूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन तंग कर सकते हैं किसको, नईम भी लेफ्ट है, तंजीद भी लेफ्ट है, 3 लेफ्ट है, मतलब ओपोनेंट से जो ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिनर कौन आ रहा है यार, 2 प्लेयर तो आ रहे हैं हमारे पास, एक है सैफ हसान जो कैप्टनसी कराएगा बट बॉलिंग थोड़ा कम कराते हैं, दूसरा मेहदी हसन, मतलब मेहदी हसन इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं हमारे लिए, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ओपोनेंट का बांग्लादेश, यार मैं क्या ही बता रहा हूँ, मेहदी हसन खुद ही टीम प्लेयर्स खुद ही अपने मेंबर्स को आउट करेंगे, यार अजीब मैंने बोल दिया, माफी चाहता हूँ, अफगानिस्तान के राइट आर्म ऑफ स्पिनर निकालना पड़ेगा, इनके टॉप 3 लेफ्ट हैंडेड है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। और उसके बाद राइट आएगा सैफ, महमूदुल राइट आएगा, सोमो लेफ्ट आएगा, मतलब 4 लेफ्ट आर्म, मतलब ओपोनेंट से कौन राइट आर्म ऑफ स्पिन है वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये रहा मेहदी, ये ऑफ ब्रेक बॉलिंग डालेंगे ओपोनेंट का लेफ्ट हैंडेड बॉलर को। ठीक है, रकीबुल ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालना है, इन दोनों को प्ले में आना ही है क्योंकि ग्राउंड में इस पिच में स्पिनर्स प्ले में आ रहे हैं। ठीक है, स्पिन हो रहा है, 2 स्पिनर हो चुके हैं। ठीक है, ये 2 मेन बॉलर हो चुका है, 4 प्लेयर हो चुके हैं यहाँ पे इस टीम से मेन, कौन 4 बॉलर मेन है, मेहदी रकीबुल रिपोन तंजीम, 4 बॉलर मेन है। अब पांचवा बॉलिंग ऑप्शन कौन रहेगा दोस्तों, सोमो सरकार बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो ये कराएंगे और डेथ में भी आ सकते हैं, या फिर महमूदुल हसन जो है, देखो हर मैच में महमूदुल हसन जो है आपको 9-10 ओवर नहीं डालेगा, लास्ट मैच में डाल गया था, पीछे में विकेट निकाले थे, छोड़ो वो बात भूल जाओ, ये एज बेटर ट्रीट करो, इनका काम है बैटिंग से पॉइंट देना, फिर थोड़े से पार्ट टाइम बॉलिंग। ठीक है, बट ड्रीम इलेवन कुछ ऐसे फॉर्मेट है जहाँ पे आपको ना
कुछ बैटर्स, तीन बैटर्स लेके चलना पड़ता है, वैसे वाले फॉर्मेट के लिए ठीक ठाक है, अदरवाइज ड्रॉप रोटेट बिंदास कर सकते हो। ठीक है, मैं बॉलर्स के साथ प्रेफर करूंगा। नईम शेख, तंजीम रजान पावर प्ले में बैटिंग करेंगे, इनिशियल में बॉल में स्विंग मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है कि इनिशियली पावर प्ले में थोड़ा सा स्विंग मिलना चाहिए इस ग्राउंड में। जकीर हसान आएंगे वन डाउन, फिर सैफ हसान। ठीक है, अब मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मुझे लगता है इस मैच में जकीर हसान अच्छा डिफेंशियल बन सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और ये ना आफ्टर पावर प्ले नहीं, पहले की स्विंग शायद इनको फेस करने को ना मिले। तंजीत हसान बहुत ज़्यादा बैट घुमाता है दोस्तों, हर बार पॉसिबल नहीं है अटैकिंग खेलना, और अभी ओपोनेंट के पास बॉलिंग यूनिट भी डिसेंट लेके आएंगे। ठीक है, बैटिंग सेकंड होता है, तंजीत हसान बेटर हो जाएगा, बैटिंग फर्स्ट होता है थोड़ा मुश्किल होगा। ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा? रिपन मंडल, तंजीम और रकीबुल, डेथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपन मंडल कराएगा, मेहदी, रकीबुल, और मुझे क्या लगता है पता है बेसिकली डेथ में कौन कराने वाला है? रिपन मंडल कराएगा और तंजीम शकीब कराएगा, ये मेहदी और रकीबुल नहीं कराएगा डेथ में। मान के चलो कि मेन बॉलर कौन है डेथ का? रिपन मंडल है, जो स्पेसर है, तंजीम है राइट एम मीडियम, और दोस्तों सपोर्टिव में सोमो, ये तीन मुझे लगता है डेथ में कराएगा। ये सीरीज से पहले के रिकॉर्ड्स है गाइज, आपके अकॉर्डिंग आप इनके रिकॉर्ड्स रिव्यू कर सकते हो। नईम शेख बहुत करेक्ट फॉर्म से आ रहे हैं दोस्तों, रिसेंटली लिस्ट में 68, 61, 56, वन ऑफ द टॉप रन गेटर भी थे, वन ऑफ द नहीं, ये टॉप रन गेटर ही थे। ठीक है, बट इस टीम से ना दो प्लेयर अभी भी खेला नहीं है, मुझे लगता है ये तुरुप का इक्का होगा। कौन कौन है? मृत्युंजय चौधरी अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट पिक, और बांग्लादेश और भी स्ट्रांग हो जाएगा। 31 मैच में 42 विकेट है लिस्ट में, रिसेंटली 1, 2, 3, 2 विकेट निकाल के आ रहे, रॉ विकेट टेकर है मृत्युंजय चौधरी। बॉल फर्स्ट तो भयंकर है, एक और प्लेयर है जिसने बहुत अच्छा खेला है डोमेस्टिक में, हसान मुराद, 40 मैच में 64 विकेट रिसेंटली लिस्ट में देखो, 4, 1, 2, 1, 2, भयंकर फॉर्म में है दोनों बंदा। ठीक है, लीडिंग विकेट टेकर थे हसान मुराद, 13 मैच में 25, उसके बाद सुमन का 11 में 18 था, तंजीम का 15 मैच में 17 थे, और मृत्युंजय का देख लो दोस्तों 10 मैच में 15 विकेट। सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी ना मुझे हसान मुराद और मृत्युंजय का देख रहा है, जो अब तक खेले ही नहीं। ठीक है, उसके बाद सुमन, बैट्समैन से मोहम्मद नईम सबसे ज़्यादा, 72 के एवरेज से रन थे, फिर सैफ हसान 39 का एवरेज, परवेज का 42 का एवरेज से 585, 15 मैच में अमित हसान, शोमो का ज़्यादा रन नहीं था, मेहदी हसान का भी ज़्यादा रन नहीं था। अब आता हूँ दोस्तों अफगानिस्तान के प्लेयर्स की तरफ, उससे पहले वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो बहुत कुछ बहुत गलत कर रहे हो यार, बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, इससे ना मोटिवेशन मेरा बना रहता है, मैं भी मेहनत करता हूँ, और मेहनत दोस्तों जब आप लाइक करोगे तो क्या होता है कि वो ना मोटिवेशन देते हैं हमें, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी कर पाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ भी ट्राई करूँगा। अफगानिस्तान के प्लेयर्स देखोगे तो जुबैद अकबरी ओपन कराएगा, ठीक है, ये ओपन करेंगे, और ओपोनेंट का बॉलिंग ना तगड़ा दिख रहा है मुझे, पावर प्ले में बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है बांग्लादेशी बॉलर्स। ठीक है, पावर प्ले में अच्छा बॉलिंग डाल रहा है, तंजीम शकीब हुआ, और तो फिर दोस्तों आर मंडल हो गया, ये आर मंडल क्या था इनका नाम, हाँ यहाँ पे मिलेंगे आपको, रिपन मंडल हो गया, यहाँ पे अगर मृत्युंजय आते वो भी करेक्ट बॉलर है पावर प्ले में। ठीक है, तो मुश्किल होगा इनको बैटिंग करना, जुबैद अकबरी को, रियाज हसान, दोनों को मेरे हिसाब से मुश्किल हो सकता है पावर प्ले में बैटिंग करना। फिर नूर अली जदरन आएंगे, थोड़े से ज़्यादा बेटर प्लेयर, बट रियाज थोड़े से पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, बट मैं नूर अली जदरन नॉट अ बैड चॉइस मानता हूँ, अच्छे खासे पीक रहेंगे। और इस टीम से देखो ओपोनेंट से लेफ्ट और राइट बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, कौन है रकीबुल, राइट आर्म ऑफ स्पिन कौन है मेहदी। इस टीम के पास देखोगे ना एक मिडल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड है शाहिदुल्ला कमाल, ज़्यादातर राइट है, फिर एक लेफ्ट हैंडेड है इकराम अली खेल, तो इनके पास ना थोड़े से बैलेंसिंग है, जैसे कि बांग्लादेश के पास ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बैटर है, इनके पास क्या है दोस्तों ऐसा नहीं है, बांग्लादेश के पास बिकॉज लेफ्ट हैंडेड बैटर्स है तो इनके पास ऑफ स्पिनर कौन है, यहाँ पे ना आपको ऑफ स्पिनर नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे एक प्लेयर दिखेगा जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डाल सकता है, रियाज हुसैन, तो ये प्लेयर अभी बन जाते हैं थोड़े से डिफेंशियल, बट इनको बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओपोनेंट का बॉलिंग तगड़ा है, स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट, जो भी टीम दोनों में से बैटिंग फर्स्ट करेगा ना उनको बैटर्स को मुश्किल होना चाहिए। ठीक है, नूर अली जदरन 53-35 वन राउंड खेलेंगे, जैसे कि जकीर हसान, शाहिदुल्ला 23-25 तीन ओवर डाले, दोस्तों वेरी डिसेंट ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं शाहिदुल्ला कमाल, अपनी टीम में रखना भी है, और दोस्तों कैप्टनसी चाहो तो बना सकते हो, बट नॉट अ बैड चॉइस, टीम में रख सकते हो। भाई शाह 15-11 डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रन बनाया, इकराम अली खेल इंपॉर्टेंट है, शरफुद्दीन अशरफ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, बैट बॉल दोनों से पॉइंट्स देते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन पिक। जियाउर रहमान अकबरी भी एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दोस्तों जियाउर रहमान एंड शरफुद्दीन का रोल ना इस मैच में बहुत ज़्यादा होता है, अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, बैट फर्स्ट में 2-3 विकेट गिरा, तो इनको ना बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, ओपन स्पेस मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल फेस करने को मिलेगा, और एक साझेदारी आपको दिख सकता है शरफुद्दीन से 30-40 और जियाउर से 20-25 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल रहीम जाई दोनों मैच में 4-3 विकेट निकाला, बॉल फर्स्ट हुआ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करो, बॉल सेकंड हुआ देखो राइट मीडियम है, सिंपल बात है ओपोनेंट का तगड़ा बैटर तंजीम हसन छकाब शकीब दोस्तों अटैकिंग रेट खेल रहा है, तो इसका लाइन लेंथ बिगड़ जा सकता है, तो बॉलिंग अगर सेकंड होता है मैं ड्रॉप करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं कैप्टनसी नहीं बनाऊंगा, टीम में रखूंगा। मोहम्मद सलीम ने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला, स्टिल लेना है तो बॉल फर्स्ट लो, बॉल सेकंड ड्रॉप कर सकते हो। बिलाल समी अच्छे बॉलर है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो।
शायद सिज्जत फर्स्ट मैच में 6 ओवर 48 पे एक था, और एक इजराकुल्ला नवीद अगर खेलता है तो अच्छा डिफेंशियल पीक होंगे, लेग ब्रेक बॉलर, बट ओपनर के पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर बैटर है, बट ये ना वन डे फॉर्मेट है तो इसमें विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर वो T20 फॉर्मेट होता, चलो एक आधा ओवर देख लिया या फिर दोस्तों बड़े बड़े शॉट्स मार दिया, बात अलग है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आते ही बैट्समैन घुमाएंगे नहीं, थोड़ा सा डिफेंस भी करने का ट्राई करेगा, उसमें विकेट मिल सकता है लेग ब्रेक इजराकुल्ला नवीद को। ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा, मोहम्मद सलीम, इब्राहिम और बिलाल समी। डेथ में कौन, इब्राहिम, सलीम और जियाउर रहमान करते हुए दिखेंगे। ये सीरीज से पहले के रिकॉर्ड है, इकराम अली खेल तगड़े रिकॉर्ड से आ रहे, 40-21-23-26 का एवरेज है। ODI में दोस्तों 234 रन बना चुके हैं 12 मैच में, लिस्टे में 28 का एवरेज है, अच्छा खेल रहा है रिसेंट टाइम। नूर अली जदरन 25 का एवरेज है, लिस्टे में बहुत तगड़ा खेलते हैं, 20-106-8-19 लिस्टे में 28 का एवरेज, ODI में 25 का एवरेज है नूर अली जदरन का। ईशानुल्ला जनत हो गया 22 का एवरेज वाला, रियाज हुसैन का 29 का एवरेज है ODI में 3 मैच में, और लिस्टे में देखो 39 का एवरेज है, बहुत तगड़ा एवरेज है, बहुत सॉलिड मुझे लग रहा है रियाज। प्रॉब्लम एक ही बात है कि ओपोनेंट का ना जो बेस्ट दो बॉलर रहेगा ना पावर प्ले में डालेंगे, रिपोन एंड तंजीम शकीब, अगर मृत्युंजय खेले तो मृत्युंजय भी। भाई शाह 23 मैच में 39 का एवरेज, 736 रन, डोमेस्टिक में ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहा है, टेस्ट में भी डेब्यू हुआ था, कुछ खास कर नहीं पाया। कुछ और प्लेयर्स मिल जाएंगे, शहीदुल्ला कमाल वगैरह 49 मैच में जिनका 46 का एवरेज है, अच्छे प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो, बट ये बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट देता है। एस अशरफ ये बैट बॉल दोनों से पॉइंट देगा, 55 मैच में 26 का एवरेज से 639 रन है लिस्टे में शरफुद्दीन अशरफ का, 457 ओवर में दोस्तों 63 विकेट, वेरी डिसेंट विकेट टेकर है। जियाउर रहमान 37 मैच में 68 विकेट है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जियाउर रहमान का लिस्टे में, तो ये दो प्लेयर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जुबेद अकबरी बैटिंग ज़्यादा करते, 28 का एवरेज से रन बना के आ रहे। इजराकुल्ला नवीद 7 मैच में 8 विकेट लिस्टे में। सलीम सफी, सभी यंग प्लेयर है आपको अफगानिस्तान के दिखेंगे, यहाँ पे आप रिकॉर्ड रिव्यू कर सकते हो। वफादार मोहम्मद ये भी डिसेंट बॉलिंग करा लेते हैं, बट बॉल फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेथ में आके विकेट निकालते हैं, पावर प्ले T10 का बॉलर है, ठीक है। इब्राहिम अब्दुल रहीम जाए देखो, लिस्टे में 11 मैच में सिर्फ 4 विकेट निकाला, अभी देखो फार के रख दिया इन, बट इनका देखो रिसेंटली फर्स्ट क्लास में पॉइंट्स, देखो फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड रिसेंटली 5-7-2-6-3, मतलब फर्स्ट क्लास में ये फारू परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं, और उसी का दोस्तों ओ यहाँ पे ना मतलब क्या बोलूँ, उनका ही रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इंटरनेशनल में भी अच्छे खेल रहे हैं। बिलाल समी 2 लिस्टे मैच में 5 विकेट निकाला, लास्ट मैच में ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, बट डिफेंशियल बॉलिंग फर्स्ट ट्राई कर सकते हो। चलते हैं हम लोग दोस्तों ड्रीम 11 टीम में। गाइस आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो क्यों नहीं किया यार, कर दो वीडियो शेयर, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों कहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने कैप्टन बनाया शरफुद्दीन अशरफ, देखो एस अशरफ एक अच्छे पिक है, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है ना, एस अशरफ अगर 50 रेट में भी मिलता है नॉट अ बैड चॉइस, क्योंकि 1-2 के निकाल सकते हैं, बैटिंग से भी 20-22 रन बना देगा, कैच भी ले लेगा, तो 50 रेट तक शरफुद्दीन अशरफ आप बाई कर सकते हो। जेड अकबरी अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है और दोस्तों 40 के आसपास रेट है इनका, बाई कर लेना, अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। मेहदी हसन इस मैच में क्योंकि ओपोनेंट के पास ना बैलेंस ही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो मैं अभी ना इनको बेस्ट बाई पिक नहीं मानता हूँ, रेट देख के करो, 40 से नीचे मिल रहा है तो बाई कर सकते हो, बैटिंग से पॉइंट्स दे सकते हैं। शोमो सरकार ये कम्प्लीटली ना कभी भी कुछ कराने वाला प्लेयर है तो अभी के लिए इग्नोर करेंगे। तंजीद हसन इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग अगर करता है, जो भी टीम का ओपनर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगा मुश्किल होगा, और उनको चाहो तो सेल कर सकते हो। जेड हसन डिसेंट ऑप्शन है, रेट देख के बाई करना, अगर 32 या फिर 36 से नीचे में मिलेगा तो चांस ले सकते हो, क्योंकि विकी प्लस बैटिंग। रकीबुल हसन, तंजीम हसन, शकीब, एम इब्राहिम बॉलिंग फर्स्ट हुआ और अगर 44-42 के रेट में मिला तो दोस्तों बाई करना, बॉलिंग सेकेंड बाई मत करो। रिपन मंडल दोस्तों ठीक है, इनका रेट हाई रहेगा, मुझे लगता है 52 के करीब मिलेगा, 50-52 के करीब, तो मैं इग्नोर करूंगा। रकीबुल हसन अगर 50 के रेट से 45 के रेट से नीचे मिलता है, 40-42 में मिलता है तब तक ठीक है, उससे ऊपर मैं नहीं लूँगा क्योंकि ओपोनेंट के पास लेफ्ट हैंडेड है। तंजीम हसन, शकीब दोस्तों ये अच्छी विकेट टेकिंग नेक से आ रहे हैं, इनका रेट अगर 44 के करीब मिलेगा तो बॉल फर्स्ट ट्राई करो, बॉल सेकंड मत लो। एम इब्राहिम, आर मंडल बेस्ट होगा अगर 44 के करीब मिला, क्योंकि ये डेथ भी कराएगा पावर प्ले भी कराएगा। फिलहाल दोस्तों ये रहेगा कवरेज, इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और अपडेट हुआ, नेक्स्ट मैचेस के कवरेज वगैरह आपके साथ शेयर होगा टेलीग्राम पे, दोस्तों जो है आपको टेलीग्राम इसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, एस मिलते हैं मैच टाइम पे।